अब इकट्ठे पढ़ो तीनों। अस्सलाम वालेकुम, मैं चाउमीन बनाने लगी हूँ। इसके लिए मैं सबसे पहले जो है ऑयल ऐड करूँगी पैन के अंदर। साथ ही ऑयल के अंदर मैं ये क्रश्ड गार्लिक ऐड करूँगी। इसको चिली ऑयल बनाना होता है सबसे पहले चाइनीज में। आपने इसमें आपने ये क्रश्ड रेड चिली और गार्लिक को ऐड करके ऑयल में इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है इसके अरोमा के लिए। तो मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। ये फ्राई हो गया है, इसके अरोमा जो है वो थोड़ा सा डेवलप हुआ है इसका। सॉरी मेरा कैमरा हिल गया। इसके अंदर मैं साथ ही चिकन ऐड कर दूंगी। चिकन को मैंने सोया सॉस, विनेगर, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, सॉल्ट और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाल के मैरिनेट कर लिया था। चिकन को मैं हाई फ्लेम पे फ्राई करूँगी क्योंकि ये आपने बल्कि सारा कुछ ही हाई फ्लेम पे फ्राई करना है इसमें, ताकि ये ओवर डन भी ना हो और कच्चा भी ना रहे। तो ये ऑलमोस्ट डन हो गया। साथ ही मैं इसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड करूँगी। कैरेट लिया मैंने, शिमला मिर्च और प्याज, और इसको मैंने बिल्कुल हल्का सा सौते करना है। ये क्रंची होगा तो ये अच्छा लगेगा, इसको मैंने ज़्यादा सौते नहीं करना। साथ में मैं इसके अंदर जो है ये चाइनीज़ सॉल्ट है, वाइट पेपर है, चिकन पाउडर है और ब्लैक पेपर है, ये ऐड कर दूँगी। सोया सॉस ऐड करूँगी, सोया सॉस थोड़ा ज़्यादा ऐड करिएगा। वॉर्सटेशायर सॉस थोड़ा सा मिलेगा। सब ये डालना है। अब मैं इसके अंदर नूडल्स ऐड करूँगी। क्योंकि वेजिटेबल्स का जो है ना वो क्रंच खत्म नहीं होना चाहिए। मिक्स इट वेल एंड स्प्रिंग अनियन डाल दूंगी। नूडल्स हमारी डन हो गई है, आप देख सकते हैं बिल्कुल जैसी हमें चाइनीज रेस्टोरेंट से मिलती है ना पाकिस्तान में, बिल्कुल वैसा टेस्ट आता है इसका। एक्चुअली ये मैंने नूडल्स भी दूसरी वाली यूज़ की है, मैं आपको दिखाती हूँ। इनका नाम है चाइनीज़ नूडल्स कैंटन समथिंग, और ये स्पेसिफिक वही टेक्सचर है इसका जो होता है रेस्टोरेंट्स वगैरह में। बस ये हमारा डन हो गया, मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी और इसको डिश आउट कर लूँगी।
आई एम मेकिंग वाइट चिकन वाइट कढ़ाई फॉर डिनर एंड आई एम मेकिंग इट इन माई न्यू हांडी. आई गॉट इट फ्रॉम अभा. आई होप यू लाइक इट टू. आई रियली लव इट. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट आई विल एड सम ऑयल एंड टर्न ऑन द फ्लेम. एड योर चिकन इन इट. चिकन का कलर चेंज होने तक मैं इसको थोड़ा सा फ्राई करूंगी और मीनवाइल मैं इसमें ये जिंजर गार्लिक पेस्ट और ग्रीन चिली मैंने कट करके चॉप करके रखी थी वो ऐड कर दूंगी. चिकन मेरा ऑलमोस्ट फ्राई हो रहा है. मैं इसमें सारी स्पाइसेस ऐड कर दूंगी क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है इसको गलाने की. मैं बस इसकी स्मेल निकालने के लिए इसको थोड़ा फ्राई कर रही थी तो मैं इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर दूंगी. भुना कुटा धनिया भुना कुटा जीरा और ये पिसा हुआ धनिया पाउडर जिसको बोलते हैं. तो सॉल्ट ऐड करूंगी. तो ये मैं ब्लैक पेपर फ्रेशली जो है ब्राउन करके डालूंगी. इसका फ्लेवर ज़्यादा मज़े का आएगा. अब इसके अंदर मैं ये दही मिक्स किया है मैंने ये डालूंगी. कोई पानी वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है. इसके पानी में ये गल जाएगा. बस मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करके मिक्स कर लिया मैंने. अब इसको मैं कवर करके जब तक ये गलता नहीं है मैं थोड़ी देर इसको रख दूँगी. ये नायल जो है ये मेरे साथ आ गया. एक्चुअली ये बाहर टंग कर रहा था. इसके बाबा काम कर रहे हैं लेकिन फिर इसको यही सलूशन बनता है कि मैं नीचे बिठा दूँ ऊपर शेल्फ पे बिठाने के लिए. तो वो सेफ़ नहीं होता है, थोड़ा डेंजरस होता है क्योंकि अब ये चीज़ें वगैरह छेड़ता है और हिलता है तो एकदम से जंप कर देगा तो वो उसके लिए डेंजरस हो जाएगा थोड़ा. तो मैंने इसको आज ये सलूशन निकाला है कि मैंने नीचे बिठा दिया इसको और नाइन मेरे साथ खाना बना रहा है. और मैं अपने खाने के पीछे बच्चों की वीडियोज़ इसलिए ऐड कर देती हूँ या अपनी डेली रूटीन इसलिए ऐड कर देती हूँ कि आप लोगों को भी थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हो मेरी वीडियोज़ देखने में. क्योंकि सिर्फ खाने की वीडियोज़ थोड़ी बोरिंग हो जाती है. और वैसे भी मेरी डेली रूटीन यही है. अभी खाना बनाया मैंने सुबह से. मैं आपको बताती हूँ मेरी रूटीन ये थी कि सुबह उठ के मैंने ब्रेकफास्ट किया, बच्चों को करवाया, उसके बाद इनको शावर करवाया, तैयार किया, फिर मीना के कारी साहब का टाइम हो गया, उनकी क्लास ली. तो फिर उसके बाद बल्कि कारी साहब की क्लास से पहले भी मैंने उसको सारी तैयारी वगैरह कराई जो भी थी. और उसके बाद फिर इसके हाफ एन आवर का डिफरेंस था स्कूल की क्लास के लिए तो उसमें मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी. और फिर उसकी स्कूल की क्लास का टाइम हो गया वो अटेंड करवाई. फिर 3:30 पे मैं फ्री हुई हूँ इन सारे कामों से तो फिर मैं किचन में आई हूँ. फिर मैंने नूडल्स बनाई, चाउमीन बनाई, उसकी भी मैंने वीडियो शूट की है. और उसके बाद फिर मैंने अब खाना शुरू किया है. खाने के बीच में यह है कि नायल भी तंग करता रहता है, बीच में नमाज़ वगैरह का टाइम हो जाता है तो वो तो ज़ाहिर है मैंने नहीं शूट किया लेकिन मैं नायल को अपने साथ ही फिर ले आई थी. लेट्स सी हमारी कढ़ाई कहाँ तक पहुँची. आई थिंक चिकन गल गया होगा. मैंने इसको काफ़ी देर रखा है तो ये ऑलमोस्ट डन हो गया. मैं इसका ये करूँगी कि इसके अंदर मैं बाकी चीज़ें भी साथ में ही ऐड कर दूँगी और फिर इसको मैं पकने दूँगी थोड़ी देर हल्की आंच पे ताकि इसका फ्लेवर जो है वो और ज़्यादा इन्हेंस हो जाए. इसके लिए मैं ये क्रीम है ये ऐड कर रही हूँ उसमें. गरम मसाला ऐड कर
एंड पे मैं थोड़ी सी और क्रीम भी ऐड करूँगी, क्योंकि क्रीम से जो है ना इसका वो जो मलाई वाला टेक्सचर है वो बहुत मज़े का आता है। लेकिन फ़िलहाल मैं इसको कवर करके और मैं फ्लेम जो है इसका वो लो पे करके तो मैं इसको रख दूँगी फॉर अबाउट 15 to 20 मिनट्स। खाना हमारा इस कंडीशन पे है अभी, मतलब ये ऑलमोस्ट डन है, और मैं मीनवाइल जो है ग्रीन टी बनाने लगी हूँ। जब से हमें कोरोना हुआ है ना तब से हमें कहवा और ये ग्रीन टी, चाय, कॉफ़ी, सारे हॉट ड्रिंक्स जो हैं वो हमने बहुत पिए हैं उस टाइम में ज़्यादा। बताए एक मिनट, बस अब ये हो गया है मेरा, तो इसमें मैं थोड़ी सी क्रीम और ऐड करूँगी। छोटा सा लेमन लेके इसमें लेमन स्प्रिंकल करूँगी। मिक्स करूँगी। मिट्टी के बर्तन में मैंने, मतलब मेन जो डिश है मेरी, मैंने पहली दफ़ा ही कुक की है तो आपको मैं बता नहीं सकती। पूरे किचन में जो है ना वो मिट्टी की खुशबू आ रही है, बड़ी अच्छी स्मेल आ रही है। आई होप खाने में भी कुछ डिफरेंस होगा या पता नहीं, नहीं होगा, लेट्स सी। हॉस्पिटल आए हैं, इमरान की दवाई ले रही थी, कोलेस्ट्रॉल का हॉस्पिटल है जिसको 8 मंथ्स पहले हायर करना हुआ था। इमरान का हॉस्पिटल है 8 मंथ्स पहले। ये वहाँ पे आके हमेशा वही मेमोरीज आती हैं। मेरा भी कमादी में ही हुई थी लेकिन मैं उसी ब्रांच में ही थी, तो मैं इसी सेम ब्रांच में हुआ था, तो यहाँ पे आके ना मुझे ये मेमोरीज आती हैं सारी के, यहाँ पे नायल हुआ था, ब्यूटीफुल मेमोरीज। मैं पहना दूँ?
टेम्परेचर चेक करने के लिए रखा है, जिसको टेम्परेचर होता है ना उसको अलग डिपार्टमेंट में भेज देते हैं। हमने हमारा भी चेक किया, को भी टाइम है तो मैंने सोचा मैं नमाज पढ़ लूँ, लेकिन उन्होंने जाए नमाज ही सारी हटा दी है यहाँ से। उनके पास एक छोटे थे डिस्पोजेबल सी रखी है, पर यूज कर लूँगी। बैठो, बाय बाय करो, बाय बाय, बाय बाय। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है?